ये है पुरनपुर वाला जंगल काफ़ी घना भैया सा, और मानसून का वक्त चल रहा है इसलिए हरा भरा भी काफ़ी है। काफ़ी मेरा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, सामने बना हुआ गुरुद्वारा बहुत मस्त, सामने पहाड़ देखो ये दे सामने, इस कैमरे में मगर नहीं दिख रहे होंगे मगर अभी दिखेंगे थोड़ी। बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही, ड्राई सूरज रिच भाई साहब नज़ारा देखो, वो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा भाई साहब, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, ये देखिए हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक वीडियो में। तो बहुत दिनों के बाद आज ये पल आ गया, तो हम चल रहे हैं नैनीताल और आप सभी हमारे साथ वीडियो में रहना कंटिन्यू। तो यहाँ से नैनीताल है करीब 294 300 किलोमीटर है पूरा, और अभी बजे सुबह के 6:30 और यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। तो काफ़ी दिनों का इंतज़ार कर रहे थे इस पल के लिए, तो आज वो दिन आ गया है तो हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। मस्त वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे हैं और चलते हैं यहाँ से नैनीताल के लिए। फाइनली बाइक हो गए सब रेडी और यहाँ से बस हम निकलने ही वाले हैं, बाइक ही सब रेडी हो गया। यहाँ से करीब है 294 किलोमीटर, तो करीब लग जाएंगे हमें तो करीब, हाँ करीब 6-7 घंटे लग जाएंगे। अगर स्लो स्लो चलाएंगे, बाइक हमारी है 100 cc की, तो वही हिसाब से चलाएंगे, 50-60 किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट लेंगे करीब आधे घंटे का, तो देखते हैं कितने टाइम पहुंचते हैं। तो बस निकलते हैं दोस्तों लहरपुर से नैनीताल के लिए, और ये जर्नी काफ़ी खूबसूरत होगी। तो आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं नैनीताल यहाँ से, तो फिलहाल ये राइड हो गया मेरे सोलो लहरपुर से नैनीताल जो करीब है 294, तो चलते हैं, काफ़ी टाइम हो जाएगा। सोचा था सुबह निकलेंगे, देर में मेरी सोलो राइड है तो इसलिए हमें टाइम लगाया, रोशनी हो गई उसके बाद निकले हैं। दोस्तों चलते हैं, करीब बज गया है 6:30 से आए थे 6 बजे, वीडियो शूट करते बज गया 7, तो निकलते हैं वरना काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो अरे लहरपुर से डायरेक्ट नैनीताल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लाज़ी सख़्ख़ल लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़र्रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमिन क़ालिबून। ये अल्लाह पाक की हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुजरे। तो ये हमारी पहली सोलो राइड है, इससे पहले हमने आगरा की ट्रिप की थी तो उसमें थे 2 लोग, और इस बार हैं हम से केवल सोलो राइड। तो ज़्यादा टाइम भले ही लग जाए मगर चलेंगे हम सोलो सोलो, तो करीब चलाएंगे हम बाइक को 50-60 के बीच में। सोचा था पहले कि निकलेंगे सुबह करीब 4 बजे, मगर 4 बजे भैया सोलो राइड है तो काफ़ी घने घने जंगल होते हैं उधर पीलीभीत की तरफ, तो हमने सोचा कि थोड़ा लेट ही हो जाए तब चलेंगे लहरपुर से नैनीताल। फ्यूल थोड़ा तो है, फिर अभी पूरी टंकी फुल करवाएंगे कहीं टंकी पर। प्लान तो बहुत दिनों का बना हुआ है नैनीताल का, मगर आज अल्लाह की मर्ज़ी जब होती तभी होती। इधर से चलते हैं यार, साहब यह हमारी राइड पहली राइड होगी जो पहाड़ों, यानी कि आज तक हमने कभी भी ऊंचाई पे राइड नहीं की, तो हमारी फर्स्ट राइड होगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना, क्योंकि हमारी अब पहली राइड है ये, फर्स्ट टाइम इन माउंटेन, यानी फर्स्ट टाइम चलेंगे हम पहाड़ों में। वाह कैसी, अभी से ही इतनी खुशी महसूस हो रही है, जैसे जब हम सामने देखेंगे पहाड़ तो कितना मज़ा आएगा। वाह देखो यहाँ से एक तो लखीमपुर का रास्ता है, दूसरा है हरगाँव तरफ का रास्ता। हम सोच रहे हैं कि लखीमपुर के सिर से चलेंगे या हरगाँव की तरफ से, तो राइड इधर से नहीं चलेंगे, इधर से वापस आएंगे हम, चलेंगे डायरेक्ट इधर से चलते हैं हरगाँव होते हुए। इधर से रास्ता काफ़ी यानी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, सो तो ये इधर से हरगाँव से हो जाएंगे गोला, तो इसी रास्ते से चलते हैं। बस आप लोग बस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे और आपको मज़ा आने वाला है इस राइड पर सोलो वाले।
अभी हमने जो तिब्बती फ्लैग क्या होता वो लगाना है यहाँ पास, सुनसादा भूल गए लगाने के लिए। बाकी की में ऐसे ये तो लगा लिया है, मगर इसमें एक तिब्बती फ्लैग क्या होता जो राइडर लोग लगाते हैं तो वो भी लगा लेंगे, गाड़ी बिल्कुल झक्कास हो जाएगी हमारी। हमारी पहली ऐसी राइड है लॉन्ग जो सोलो राइड है, इससे पहले हमने कभी सोलो राइड नहीं की, अब हो रही है हमारी ये सोलो राइड। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। इसमें पेट्रोल है करीब 100-150 का होगा, फिर भी देखते हैं कितना पड़ेगा। पोल तो टंकी करवा लेंगे पूरी फुल, ग्लव्स भी नहीं पहने यार, ग्लव्स नहीं पहने राइडिंग वाले, तिब्बती फ्लैग नहीं लगा। हम सोच रहे जहाँ पेट्रोल टंकी होगी वो काम कर लेंगे, तिब्बती फ्लैग लगा लेंगे और हाथ में पहन लेंगे, वरना हाथ में चलाते चलाते ये हो जाएंगे टाइट। सुबह का एक चीज़ बहुत मस्त होता है ना, ट्रैफिक मिलेगी आपको जितना कवर करना हो सुबह ये कर लेते हैं, यानी कि कवर कर लोगे रास्ता सफ़र। उसके बाद कहीं कहीं ऐसा होता है कि काफ़ी भीड़ लगती है, तो वैसे काफ़ी धूप होती थी, आज हल्का ठंडा मौसम यानी कि हल्का बदली टाइप का है। पेट्रोल पंप बड़ा है, पेट्रोल पंप यहाँ सोच रहे हैं डलवा लें तेल। फुल कर दो, ले भाई जी। करीब पेट्रोल पड़ा है 826 रुपये, हाँ 826 का 8 पॉइंट कुछ पेट्रोल पड़ा। तो सब हो गया रेडी, अब निकलते हैं यहाँ से यार, काफी तो सब हो गया रेडी। अब आपको हम डायरेक्ट मिलेंगे घोला में, वरना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं कि कितना लंबा बनाया है। तो फिलहाल दोस्तों अब मिलेंगे हम डायरेक्ट घोला में, हाँ 8:30 बजे हैं करीब, लग गया है हाँ 2 घंटे में घोला पहुँचे हैं करीब। तो यहाँ पास चलो कहीं नाश्ता कर लेते हैं सुबह के, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। यहाँ नाश्ता कर लेते, करीब चला ली 70 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, अब यहाँ देखते हैं कहीं अगर कर लेंगे फिर निकलेंगे आगे। ही मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में आप सभी दोस्तों को, तो आप लोग प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब शेयर सब भी कर दे जितने भी कुछ करना होता है। सुबह ऐसे ही उठे और खाली पेट निकल लिया भैया ने, असली मज़ा तो राइड का अब आएगा, क्योंकि अब इसके बाद गोला के बाद चालू हो जाते हैं जंगल, बहुत मस्त मस्त जंगल है, जंगल घने घने जंगल। तो असली मज़ा तो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। अब यहीं रुकते हैं और यही पर नाश्ता कर लेते, उसके बाद चलेंगे आगे। तो आए हैं दोस्तों, हमने मंगवाए हैं 2 समोसे, बस ये नाश्ता करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में। नाश्ता कर लें उसके बाद मिलते हैं फिर से बाइक पर। तो फाइनली दोस्तों अब नाश्ता होता हो चुका, अब यहाँ से चलते हैं, करीब आधा घंटा रेस्ट किया और अभी टाइम हुआ 9, 8:30 बजे आ गए थे और आधा घंटा रेस्ट किया, अब निकल लेते हैं।
तो फाइनली दोस्तों निकल लेते हैं यहाँ से नैनीताल। हो सुबह से कुछ खाया नहीं था तो आपने हमने दो समोसे लिए भैया सुबह सुबह खा लिए। वाह मज़ा आ गया। अब ज़्यादा थोड़ी आवाज़ निकल रही है तो ऐसे ही सुनसान रास्तों पे मज़ा आने वाला है आप सभी दोस्तों को। चलाया था 70 किलोमीटर, अब यहाँ से डायरेक्ट हम चलाएंगे 60। 60 का 60 पे हम रेस्ट लेंगे फिर चलाएंगे आगे, क्योंकि ज़्यादा हाईवे बाइक है नहीं तो इसलिए चल रहे हैं वादियों में मिलने के लिए। वाह के बाद काफ़ी खूबसूरत जंगल चालू हो जाता है। ये जंगल चालू हुआ है काफ़ी शानदार, बहुत दूर तक जंगल है, जगह चारों तरफ हरियाली हरियाली है हमारी गाड़ी बाई बीच रोड पर। तो ये देखो कितना घना जंगल है। अभी ये चल रहा है गोला से, जैसे आएंगे हम पूरनपुर की तरफ चल रहे हैं, उसके बाद पड़ेगा पीलीभीत। अभी पीलीभीत वाला जंगल पड़ा नहीं है, तो ये है पूरनपुर वाला जंगल, काफ़ी घना भैया। अब पर मानसून का वक्त चल रहा है इसलिए हरा भरा भी काफ़ी है, काफ़ी मस्त लग रहा है अभी। फाइनली दोस्तों यहाँ से पीलीभीत बचा है 10 किलोमीटर बस, उसके बाद पीलीभीत और हम गाड़ी कर चला ले 50 किलोमीटर तो थोड़ा रेस्ट ले ले, काफ़ी गर्म हो गई गाड़ी यहाँ। और ये बना है गुरुद्वारा, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है सामने बना हुआ गुरुद्वारा, बहुत मस्त काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गुरुद्वारा ही। ये देखिए बस थोड़ी देर में पहाड़ों की स्टार्टिंग होगी, मज़ा आने वाला है भाई साहब। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। तो पानी उनी पी लें यार, फिर चलते हैं आगे। तो सब पानी उनी पी के अब निकलते हैं यहाँ से। अरे बजने वाला 10:30, 10:20 है तो 11 बजे से पहले ही पीलीभीत पहुंच जाएंगे। तो यहां से चलते हैं डायरेक्ट अब पानी तो देखिए इधर साइड में खड़े हुए हैं फिलो कर लेते हैं। तो जंगलों में जानवर भी जानवर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन किधर से आ जाए, तो स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है। ज़्यादा मत खींचिए, स्पीड रखिए 50-60 के बीच में बस, इससे ज़्यादा अगर खींचेंगे कोई भी अगर जानवर आएगा तो आप तो ऊपर पहुँच जाएंगे, तो इसलिए स्पीड मेंटेन रखिए बस ज़्यादा नहीं। वाह फिलहाल जंगल, वहाँ मज़ा आ गया जंगल का। तो फाइनली दोस्तों हमारी एंट्री हो सकी उत्तराखंड में। सारे डॉक्यूमेंट थे तो प्रदूषण नहीं था, तो यानी अपने घर से ढूंढते ढूंढते प्रदूषण की यानी जहाँ प्रदूषण बनता है वो वाले सेंटर कहीं नहीं मिला, तो यहाँ मिला उत्तराखंड में, यहाँ हमने बनाया है प्रदूषण। एक कागज नहीं था तो वो भी कंप्लीट हो गया, आप टेंशन फ्री होकर चलते हैं। अब ये प्रदूषण भी बन गया, अब सारे कागज़ हो गए कंप्लीट। हम उत्तराखंड में हुई है, हम जान ही नहीं पाया जब देखा कि सभी गाड़ियों पर यूके लिखा हुआ था। यूपी कब का छूट गया, अब हम उत्तराखंड में और अब आ गए हम सितारगंज। पहाड़ियाँ तो दिखने लगी ऊँची ऊँची, बस ये है कि हमारे कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाकी सामने जो दिख रहा है ये सब काले काले पहाड़ियाँ दिखने लगी अभी से ही, काफ़ी ऊंची ऊंची। सितारगंज से देखते हैं किधर का रास्ता कटा हुआ है। तो देखते हैं आगे से कौन सा रास्ता कटा हुआ है नैनीताल के लिए। पड़ेगा हल्द्वानी के बाद काठ गोदाम फिर नैनीताल। मीनार देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है, सामने भी ध्यान देना पड़ता है। बीस वैसे सितारगंज भी काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं। वाह मज़ा आ गया भाई, बहुत मस्त लग रहे हैं पहाड़ भाई साहब। उत्तराखंड में तो कब के एंट्री हो चुकी है भाई, एकदम ऐसा यानी लाइफ में हमने फर्स्ट बार ये पहाड़ियाँ देखी हैं, बहुत ही मस्त पहाड़।
बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से, यानी बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सामने पहाड़ देखो, ये दे सामने इस कैमरे में मगर नहीं दिख रहे होंगे, मगर अभी दिखेंगे थोड़ी देर में, बस जैसे ही दिखेंगे आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। तो इस साइड में है पहाड़, बस थोड़ी दूर और चला ले उसके बाद पहाड़ बिल्कुल नज़र आ जाएंगे। अब दिल के अंदर इतनी खुशी हो रही है भाई साहब, कितनी दूर से आए हैं पहाड़ देखने, बहुत दूर से आए, करीब 200 किलोमीटर के बाद पहाड़ों का नज़ारा आप देखने को मिला है। वाह भाई साहब, वैसे हम देखते थे कि राइडर लोग पहाड़ों में चला रहे थे, लेकिन इतना नहीं जितना लाए में देखने पर मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। पहाड़ का, पहाड़ों के बाद वो पहाड़ ऐसे लग रहे थे बहुत नज़दीक हैं, लेकिन जितनी जितनी उनके नज़दीक जा रहे हैं उतना वो दूर जा रहे चले। फिर आज हम छोड़ेंगे नहीं उन पहाड़ों को, उनके ऊपर चढ़ाएंगे जरूर गाड़ी अपनी। और ये है हल्द्वानी वाला रास्ता। हुआ किलोमीटर चला दी, अब रेस्ट नहीं लिया तो एक घंटे का रेस्ट लेंगे, रुकेंगे पहाड़ों पे, चलाएंगे 40 की स्पीड में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा है राइड पहाड़ों में, तो एक्सपीरियंस तो है नहीं हमें पहाड़ों में चलाने का, इसलिए हम चलाएंगे बहुत ही स्लो, करीब 40, बस 40-45, इससे ज़्यादा तेज नहीं चलाएंगे। तो भाई साहब बहुत ही मस्त है यार, थोड़ी देर रुके हैं, अब नैनीताल की पहाड़ी यानी चढ़ाना लेके आओ तो वो भी स्टार्ट हो गई हैं अब। तो ये देखो पहाड़ी बहुत ही मस्त, रास्ते ऐसे 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 होते होते आए हैं, अभी और बाकी है, करीब 28 किलोमीटर और है। तो सारे रास्ते ऐसे ही होंगे, और सीनरी क्या देखो, वाह जितने तारीफ कर उतनी कम है, बहुत ही मस्त भाई साहब, मज़ा आ गया। तो चलते हैं, अगर रास्ते में कोई मैगी मैगी मिलेगी तो वो भी बनवाते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं कैसे रास्ते हैं, काठगोदाम से सिर्फ 5-6 किलोमीटर चलाई है, क्योंकि काठगोदाम से चालू हो जाते हैं ऐसे पहाड़ों वाले रास्ते, तो अभी तो बहुत दूर बाकी है। ये देखो भाई साहब, ये ऐसे मुड़ो दाए भाई, मुड़ते पहुँच जाओ ऊपर आसमान पर, बहुत मुड़े हैं। चलो तो जो पट्टी देख रहे हो, बस इसके हिसाब से आपको गाड़ी मोड़नी है, यानी ऐसे इसको बस देखते रहो, पूरी सफ़ेद पट्टी सब कहीं पड़े। वाह, ठंडी हवाएं भैया लगने लगी हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। वो पहाड़ों का नज़ारा देखो भाई, मज़ा आ गया, यानी बहुत ही अंदर से घूसबम क्या होते हैं वो फेली फीलिंग हो रही, घूसबम तना, बहुत ही मस्त। झूली बहुत ठंडी हवा लग रही, ड्राई स्लो रीच। फाइनली दोस्तों हम लोग तो यानी फाइनली पहुंच गए भैया, अब चढ़ा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर गाड़ी, अभी और ऊंचे भी जाना है, नैनीताल पर पीक पर पहुंचेंगे और सबसे ऊपर चढ़ाई, ऐसे चढ़ते जाओ बस 28 किलोमीटर चढ़ते जाओ बस। तो अभी टाइम हुआ 2:30 बजने वाले हैं, करीब 2:30 होने वाले हैं, यहाँ से नैनीताल करीब 50-25 किलोमीटर। तो सुबह 10:30 बजे हमने नाश्ता किया था, तो अब बज गया है, तो अब यहाँ एक मैगी बनवाई है तो वो खा लें, उसके बाद फिर रूम ढूंढेंगे नैनीताल पे, वहीं रुकेंगे, तो अभी मैगी आ जाए फिर फास्ट खा लेते हैं। बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं यार, रास्ते बड़े टेढ़े में इधर उधर, फर्स्ट टाइम का भी है। फाइनली दोस्तों हमारी मैगी बनकर आ गई है, अब बस हम इसे खाएंगे,
और थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से, करीब थोड़ी देर बचा है बस। वाह, पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये बनकर तैयार हो गई मैगी। और बिल्कुल यू टर्न यू बना दिया बिल्कुल गोल। भाई साहब आप जा कर करिए, भाई साहब मैगी खाया, एक ब्रेड खाया, फुल मजा आ गया। ओ वो आसमान देखो पहाड़ में। चढ़ाई चढ़ते ही जा रहे हैं बहुत ही जोर जोर से। अभी आपको दिखाते हैं स्वर्ग, भाई साहब स्वर्ग बहुत ही मजा आया। ये देखिए सामने, ओह ऐसे ऐसे नीचे होते होते कहाँ पर आके खड़े हो गए हम। भाई साहब नजारा देखो, रास्ते पर चलेंगे, थोड़ी दूर बचा है बस पहुंचने वाले हैं। सामने का भी देखो भैया, पहाड़ों में ध्यान मत दे, रोड भी दे ध्यान दे, क्योंकि हमारे फर्स्ट राइड है ये पहाड़ों की, तो उस पर भी भैया ध्यान दे। उतने उतने ऊँचे ऊँचे पहाड़, चारों तरफ कोहरा कोहरा, ये देखिए सामने कोहरा ही कोहरा चारों तरफ है, बहुत मस्त। तो चलते हैं यार, वरना बारिश होने लगती तो भीग जाएंगे, अभी रेनकोट निकालना पड़ेगा। Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. फाइनली दोस्तों बारिश होने लगी थी हल्की हल्की, तो इसलिए थोड़े कागज ये निकाल के रखे थे, ये निकाल दिन कर दिया। तो फाइनली आ गए रूम पर, और तो फाइनली दोस्तों आपको दिखाते हैं कौन सा रूम लिया हमने। वैसे तो रूम है, बारिश की वजह से बहुत जल्दी जल्दी में एक रूम मिल पाया है, यहाँ कहाँ ढूंढते इससे बारिश में, तो इसलिए हमने रूम लिया है ये। इसका इस रूम का नाम, इस होटल का नाम है अनुपमा होटल। तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं अभी कैसा है। ये देखिए सामने बारिश हो रही है यार अभी बहुत तेज। तो वहाँ हमने अपनी नीचे लाल वाली क्या गाड़ी वो खड़ी कर दी बाइक नीचे, तो बारिश होने लगी, शाम के वक्त हो गए होने लगी बारिश। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाबा टाटा सी यू। आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल अति से वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाबा टाटा सी यू।